Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps AutoCAD urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, aaj ke is lesson mein aapko break aur break ahead point ke mutalliq batane ja raha hu. Aaj students start karte hain apna lesson. AutoCAD ke upar double click karein, aapke paas aapka AutoCAD open ho jayega. To dear students, sabse pehle jaise aapka AutoCAD open ho jaye, sabse pehle hamesha ki tarah apne unit setups UN enter kare apne keyboard se. Engineering, Fitzrange, okay, de-enter कर दें और modified की तरफ चले जाएं और again engineering, Fitzrange, okay और आप इसे close कर डालें. अब आप view के अंदर चले जाएं, display के अंदर आ जाएं, UCS icon और इसे origin कर दें तो ये अपनी जगह पर ये lock हो जाएगा आपके पास. तो dear students, अब start करते हैं अपना lesson. आज हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, break और break at point. आपके पास देखें एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना चाह रहा हूं, यानी कि इसको मैं कट बनाना चाह रहा हूं. अब आप इसे क्लिक करें तो ये वन टू ऑल एक ऑब्जेक्ट है. अब आप अगर ब्रेक के ऊपर आ जाएं, देखिए आपके पास ब्रेक एट पॉइंट है, यहां पर आ जाएं, आप इसे कहते हैं यहां से इस तरफ की तरफ एक कट ले आओ, तो आपके पास कोई फर्क नजर आया, कोई भी फर्क नजर नहीं आया है. फिर देखिएगा मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट में से ये देता हूं, दूसरा पॉइंट में इसको ये साइन कर देता हूं. तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं तो ये देखिए ये मेरे पास एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है. तो ये आपके पास ब्रेक एट पॉइंट ब्रेक है. देखिए ये सिंपल आपके पास ब्रेक एट पॉइंट है. फिर तक देखिए कैसे आप ब्रेक एट पॉइंट के ऊपर आ जाएं, आप इसे एक ऑब्जेक्ट ये देते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट आप इधर क्लिक कर देते हो. अब जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये दो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एक पीस ये रहा और एक पीस आपके पास इस तरफ को रहा, तो इसको कहा जाता है ब्रेक एट पॉइंट. इसी तरह से जो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो क्या है, आपके पास ब्रेक, ब्रेक की जो आपके पास सबसे पहले शॉर्टकट आती है वो आपके पास क्या है, बी आर. अपने कीबोर्ड से आप बी आर एंटर करें तो आपके पास आपका ब्रेक एक्टिव हो जाएगा. तो ब्रेक मोस्टली यूज होता है, ब्रेक एट पॉइंट इतना यूज नहीं होता. ब्रेक में कंसेप्ट क्या है, ब्रेक में आपको बीच में गैप दे देगा, ब्रेक दे देगा. आप ब्रेक के ऊपर आ जाओ, आप इसे एक पॉइंट दे दो और दूसरा पॉइंट इसे कहीं भी दे दें, तो इन दोनों के बीच में जो आपके पास गैप आएगा वो आपके पास ब्रेक बन जाएगा. देखिए इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्लिक करें तो ये आपके पास मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बीच में ब्रेक आई हुई है. इसी तरह से आप इसको वैल्यूज भी दे सकते हैं, ब्रेक के ऊपर जाए, एक पॉइंट आपका ये रहा, माउस को आगे जाने पर लाए, आप इसे कहते हैं वन फिट्स में कट दे दें. अब ये क्या करेगा, इसको यहां से आगे वन फिट्स का कट्स बनाकर आपको दे देगा. आप इधर आ जाए, एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक यहां पे करके देखिए ऊपर, तो आपके पास ये वन फिट का कट्स बना हुआ होगा. इसी तरह से अगेन आप ब्रेक के अंदर आए, आपके पास एक पॉइंट ये है, माउस को आगे की तरफ लाएं, तीन फिट की वैल्यू देकर एंटर कर दें. अब अगेन आप इधर चले जाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ चुका है और ऊपर की तरफ क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई है, तीन फिट की वैल्यू आ चुकी है आपके पास. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कुछ फंक्शन थे ब्रेक के. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे. लेकिन मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं. एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोज की डीवीडी या मास्टर क्वालिटी आपको चाहिए वीडियोस, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर. अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.